नमस्कार, वीकेबी टॉप 10 में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। विधानसभा में विरोधी पक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर राज्य सरकार की खूब खिंचाई की। उन्होंने कहा कि जिस वक्त यह मामला हाईकोर्ट में गया था उस वक्त तारीखें ली जा रही थी और मंत्री सड़क पर मोर्चा निकाल रहे थे। जानबूझकर ओबीसी को राजनीतिक आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। भाजपा 26 जून को आंदोलन करने के बाद भी शांत नहीं बैठेगी। हम सरकार को सोने नहीं देंगे। यह संघर्ष अटल है। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो मदद मांगे, हम मदद करने के लिए तैयार है। 10वीं की परीक्षा में 90% से अधिक अंक लाने वाले अनुसूचित जाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए खुशखबर है। उन्हें प्रोफेशनल हाई एजुकेशन की तैयारी के लिए 11वीं और 12वीं के इन दो वर्षों में हर साल 1 लाख के हिसाब से 2 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। राज्य के सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे ने कहा है कि सब्सिडी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के नाम पर दी जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए विद्यार्थियों के अभिभावक की कुल वार्षिक आय 2,05,000 रुपये से कम होनी चाहिए। मुंबई करों की लाइफलाइन समझी जाने वाली लोकल ट्रेन कोरोना की वजह से पिछले साल से ही बंद है। उसके जल्द शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन पहले ही दिन से सभी लोग इसमें यात्रा नहीं कर पाएंगे। इसके लिए 3 चरण तैयार किए जा रहे हैं। पहला चरण महिलाओं और विकलांग यात्रियों के लिए, दूसरा चरण में 50 वर्ष से कम आयु के पुरुषों के लिए और तीसरे चरण में सभी के लिए होगा। मॉनसून सत्र के बाद मुंबईकरों की सेवा में लोकल को शामिल करने की संभावना है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की ताकत का एहसास कराने के लिए ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है। बाकियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने कृषि मंत्री को पिंजरे वाला तोता बना रखा है। यदि उन्हें अधिकार दिया जाए तो फैसला हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह भी अच्छे हैं, पर उनकी सोच गलत है। सरकार को लगता है कि कृषि कानून से तो बड़ी कोरोना महामारी है, तो सरकार कानून वापस लेकर किसानों को घर भेज दे। पर यदि सरकार उनकी नहीं सुनती तो धरना जारी रहेगा। कनाडा के एक रेजिडेंशियल स्कूल में 751 से अधिक कब्रों के मिलने से सनसनी फैली हुई है। आशंका है कि इन लोगों को मारकर स्कूल परिसर में दफनाया गया था। काउसेस के प्रमुख कैडमस डेलोर ने बताया कि जमीन के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने वाले रडार से मालूम चला है कि इलाके में कम से कम 751 शव दफन किए गए हैं। अभी यह नहीं कहा जा सकता है कि इसमें कितने बच्चों की कब्र है और कितने बड़े बुजुर्गों की। पिछले महीने भी एक अन्य स्कूल से 215 शव मिलने की खबर आई थी। यूपी के औरैया में अजीबोगरीब मामला सामने आया है। अर्जुन सिंह की बेटी अर्चना की शादी शिवम नाम के एक युवक से तय हुई। 20 जून को बारात आई तो दूल्हा चश्मा पहने नजर आया। शादी के दौरान पूरे समय वह चश्मा लगाए रहा। नजर कमजोर होने की बात फैली तो दुल्हन ने दूल्हे से बिना चश्मे के हिंदी का अखबार पढ़ने को कहा। शिवम ने कोशिश तो बहुत की लेकिन अखबार पढ़ नहीं पाया। इससे दुल्हन के परिवार वाले भड़क उठे। उन्होंने न केवल बारात बैरंग लौटा दी बल्कि लड़के वालों के खिलाफ थाने में FIR तक लिखा दी। लोजपा में टूट से आहत चिराग पासवान ने चाचा पशुपति पारस से भावुक अपील की है। उन्होंने कहा कि चाचा जी, दिल पर हाथ रखकर बताइए कि आज पापा खुश होंगे जिनकी गोद में मैं खेला। उन्होंने अपने हाथ खींच लिए। अब बात करने तक को तैयार नहीं है। पहले मैं बीमारी से लड़ा, फिर परिवार से लड़ना पड़ रहा है। जब चाचा ने ही पीठ में खंजर घोपा तो मैं शिकायत किससे करूं? पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना था, आप बनिए, सारी जिम्मेदारी रखिए, लेकिन मुझे अपनी छत्रछाया से अलग मत करिए। चीन ने भारतीय सीमा के नजदीक तिब्बत में अपनी पहली बुलेट ट्रेन लॉन्च कर दी है। यह बुलेट ट्रेन तिब्बत की राजधानी ल्हासा और नियंगची को जोड़ेगी। नियंगची अरुणाचल प्रदेश के करीब स्थित तिब्बत का सीमाई नगर है। चेंगदू से शुरू होकर यह ट्रेन कामदो से तिब्बत में प्रवेश करेगी, जिससे चेंगदू से ल्हासा की यात्रा 48 घंटे से कम होकर 13 घंटे रह जाएंगी। सफर के दौरान यह ट्रेन किंग हाई तिब्बत पठार के दक्षिण पूर्व क्षेत्र से होकर गुजरेगी, जो विश्व के भूगर्भीय रूप से सबसे सक्रिय क्षेत्रों में से एक है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने पैतृक निवास यानी कानपुर के लिए दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रवाना हुए। 15 साल में ये पहली बार है जब राष्ट्रपति ट्रेन से सफर कर रहे हैं। उनके लिए स्पेशल 15 कोच की ट्रेन तैयार की गई है। इसमें 2 इंजन भी है। ये ट्रेन लखनऊ के बाद झिंझक और रूरा में रुकेगी। इससे पहले 2006 में राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने दिल्ली से देहरादून तक ट्रेन से सफर किया था,
देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अक्सर रेल यात्रा करते थे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आतंकवादी संगठन तहरीक उल मुजाहिदीन के साथ आतंकियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। चार्जशीट में कहा गया है कि सातों आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के इशारों पर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। इनके नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा खान, मोहम्मद यासीन, मोहम्मद फारूक, मोहम्मद इब्रार, मोहम्मद जाबिद खान, शेर अली और मोहम्मद रफीक है। इस मामले का खुलासा मोहम्मद मुस्तफ़ा खान की गिरफ्तारी से हुआ। पूंछ जिले के मेंढर पुलिस ने उसके घर से आपत्तिजनक दस्तावेज सहित 6 हद गोले बरामद किए थे। तो टॉप 10 की खबरों में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।